नागपुर शहर में ना देखी ना सोची ऐसी बारिश हुई है। आधा शहर बारिश के प्रकोप का शिकार हुआ है। शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने शहर का जायजा लिया। उन्होंने खुद ग्राउंड पर उतरकर प्रशासकीय कामों का जायजा लेते हुए लोगों से चर्चा की। शहर में हुए कल रात के बारिश पर और शहर की परिस्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन ने लोगों को अलर्ट करना था। शहर सफाई की बात होती है मगर वो दिखाई नहीं दे रही है। हजारों घरों में पानी चला गया है, घरों के सामानों का नुकसान हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने जल्द से जल्द पंचनामा कर लोगों को मदद करनी चाहिए। अब कॉर्पोरेशन में केवल कमिश्नर बचा है, ये नाली सफाई हुआ क्या नहीं, नाग नदी की सफाई हुई क्या नहीं, आधे अधूरे काम शहर के अंदर पड़े, इसका ये इसी वजह से लोगों का आज तकलीफ हुई है और करोड़ों रुपये के लोगों का नुकसान हुआ है। आज मैं ये सब बताना चाहता हूँ कि तुरंत इन सबको मदद मिलनी चाहिए, पंचनामे त्वरित होना चाहिए और जिसका जितना भी नुकसान हुआ है पूरा नुकसान ये शासन और प्रशासन के वजह से हुआ है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। यही मांग मैं इस माध्यम से सरकार को भी करूंगा और तुरंत राहत देने का काम भी करे सरकार, मैं ये भी डिमांड करूंगा। देखो ये 105 से 110 मिलीमीटर बारिश हुई है। अब ये बारिश का अंदाज तो बताया गया था, अभी फिर भी इन लोगों को अलर्ट नहीं किया गया। शहर में कितने सालों के बाद पहली बार ये परिस्थिति पूरा स्थिति यहाँ पर सामने आई है, ये परिस्थिति सामने आई है और इसके लिए अगर ये लोगों को अलर्ट किया जाता तो इतना बड़ा नुकसान लोगों का नहीं होता, इतने बड़े लोगों को तकलीफ नहीं होती, तो यहाँ के लोगों की जान गंवानी नहीं पड़ती। और आज देख रहे हैं कि करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है, करोड़ों का, पूरा नागपुर का आधा शहर ये पानी के अंदर डूबा हुआ है। इसके लिए पूरा यहाँ का कॉरपोरेशन, यहाँ की सरकार, प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है। जिस ढंग से काम आधा अधूरा छोड़ा है, रास्ते के काम आधे, नाली के काम आधे, नाग नदी के सफाई के नाम पर, केवल सफाई के नाम होता है पर काम होता नहीं है, ये स्थिति पूरे शहर के अंदर में सबको देखने को मिलती है। तो मैं तुरंत इसका पंचनामा किया जाए और तुरंत पंचनामा करके लोगों को मुआवजा दिया जाए, ये मांग भी मैं करता हूँ। नहीं वही अभी काम पुलिया टूट चुका है, फ्लो इतना था, बारिश इतनी थी और इससे वजह से शहर के अंदर में पानी आया है, तो ये प्रशासन ने अलर्ट तो करना चाहिए था। तुरंत 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक यहाँ पे कोई जगह में पानी नहीं था। 10 बजे के बाद अगर लोगों को अलर्ट करते तो अपना सामान वामान तो निकाल के सेफ जगह लोग चले जाते, लोग सोए थे। क्या प्रशासन को भी सोना पड़ा? प्रशासन सोया था, कॉरपोरेशन सोई थी, ये NIT सोई थी, क्या कर रहे थे ये लोग? इन्होंने तुरंत मदद करने की आवश्यकता थी, नहीं किया, इसलिए आज लोगों को बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।